नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हम गणी वणक्कम। आप सभी को ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। सभी जानते हैं सर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इनकी जो पकड़ है चाइना के ऊपर और सर की जो बुक थी वो भी काफी वायरल हुई थी। मैंने सर के साथ किया भी था उस पर शो। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग लेवल का है। इस वक्त शी जिनपिंग बड़े खतरे में हैं, बहुत डर बैठ गया उनके दिलो दिमाग पर, इतना कि उनको रातों को नींद नहीं आ रही है। क्या ये मोदी जी की साजिश है? मजाक में। और दूसरा, चाइना के अंदर इस वक्त इतने फॉल्ट लाइंस हो गए हैं जिस पे भारत काम करना शुरू कर सकता है बहुत जल्दी। तो इन्हीं मुद्दों के साथ सर, ओवर टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम सर ऑन द शो। थैंक यू, जय भारती, नाइस टू बी बैक ऑन योर शो आफ्टर सम टाइम। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो चाइना आज के तारीख में तकरीबन एट इट्स वीकेस्ट। टंग शाओपिंग जब टेक ओवर किया था उसके बाद से अभी चाइना हर एस्पेक्ट ले लो आप, उस पे वीकेस्ट पे चल रहा। और अभी मैं समझाऊंगा कि किस तरह से शी जिनपिंग को अंदरूनी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और बहुत डरा हुआ है और किस चीज से डरा हुआ और हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं कहता हूं, जैसे उछाला था जब ट्रूडो ने, इतने सारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं हेड्स, तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा था ये इनके अंदर डर जो है ये डर अच्छा है, होना चाहिए, ताकि ये आपस में डरते डरते आपस को मारते रहेंगे, अच्छी बात है। उसी तरह से चीन, इसके अंदर डर है, ये अच्छा है, इसको और डराना चाहिए। तो सबसे पहले इस इंसान को समझते हैं कि ये शी जिनपिंग है क्या आदमी। ये एक साइकोलॉजिकली बहुत ही बुरी तरह से स्कार्ड आदमी। इसके फादर जो माओत्सेतुंग के राइट हैंड मैन कभी हुआ करते थे, कल्चरल रेवोल्यूशन में इसको पर्ज कर दिया था। ये और इसके फादर गए थे, इसके मदर ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए फादर को तलाक दे दिया, साथ नहीं गए, लेकिन उनकी लाइफ भी बहुत खराब थी। इसके एक क्षण में सब दोस्त निकल गए। एक ही दोस्त था जिसको वाइस चेयरमैन रखा हुआ है अभी, झैंग हुजिया, वो और इसके फादर दोनों पर्ज हुए थे। कोई दोस्त नहीं था, लोग थूतू करते थे, ताने मारते थे, वहां से ये आया है। टंग शाओपिंग ने एक सिस्टम बनाया था कि एक दफा जो प्रिंसलिंग्स होते हैं, मतलब जिनके फादर लोग कम्युनिस्ट पार्टी में हाई पोजीशन में हैं, उनके बच्चे आएंगे। दूसरे इसमें उन्होंने एक शुरू किया था आम जनता से लेके आने के लिए, कम्युनिस्ट यूथ लीग, दूसरे इसमें वहां से आए। तो टंग शाओपिंग के बाद छंग ज़मीन आया था जो प्रिंसलिंग था, उसके बाद हू जिनटाओ आया था जो कम्युनिस्ट लीग से था, इसके नेक्स्ट आना था जो एक्चुअल बंदा आना था उसका नाम है बोजिलाई। और बोजिलाई के बाद जो यूथ लीग से आना था वो था सुन घेंकाई। ये सेट बना रखा था, और बोजिलाई और सुन घेंकाई ने अपना नेक्स्ट देखना था कौन प्रिंसलिंग आ रहा है। लेकिन बोजिलाई ने गलती कर दी, वो अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, अपना फैक्शन। उस वक्त तीन फैक्शन थे चाइना में, एक टंग शाओपिंग का बीजिंग फैक्शन, छांग ज़मीन का शंघाई फैक्शन, और एक कम्युनिस्ट यूथ लीग का हू जिनटाओ का फैक्शन। इसने एक चौथा बनाना शुरू किया, उसको तोड़ना था, तो वो जेल गया, उसकी बीवी को डेथ सेंटेंस दिया, वो कम्यूट होके वो भी अभी लाइफ इंप्रिजनमेंट में है। अब क्या हुआ, अब सडनली कम्युनिस्ट यूथ लीग का ली के शांग ऊपर आने लगा, लेकिन छांग ज़मीन ने सेलेक्ट करके शी जिनपिंग को लेके आया, तो ये कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट था। तो पहले टर्म में ज्यादा कुछ किया नहीं उसने, हल्का हल्का पर्ज शुरू करना किया एंटी करप्शन कैंपेन में, और जो दो बड़े मोटे असामी फंसे थे वो पुराने वाइस चेयरमैन थे सीएमसी के। नेक्स्ट टर्म में इसने अपने दांत दिखाने शुरू किए। टर्म शुरू होने से पहले ही सुन घेंकाई, जो नेक्स्ट आना था, उसको पर्ज करके जेल में डाल दिया, और उसके साथ जो नेक्स्ट आगे आना था सीएमसी में फान फेंग हुआ, उसको भी अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया।
पीएलए का, और यहां से शुरू होता है उसका टोटल एग्रेसिवनेस विद इन कम्युनिस्ट पार्टी। जो उसके साथ नहीं है उनको पर्ज करना शुरू किया, हजारों को पर्ज किया। क्यों, हजारों की तादाद में क्यों बोलता हूं? अगर वो कहता है कि मैंने 100 बड़े लोगों को पर्ज किया, भाई साहब बड़े लोगों के पर्सनल स्टाफ भी होते हैं और जहां काम करते हैं उनके साथ के स्टाफ भी होते हैं, और जब पर्ज करता है तो पूरा खानदान जाता है, जिसके बारे में चर्चा नहीं करते लोग, क्योंकि वो जो अपने रिचर्ड आर्मिटेज और डिक चीनी वगैरह कहते थे, जब सिविलियन डेथ्स होते थे अफगानिस्तान इराक में, कोलैटरल डैमेज, तो कोलैटरल डैमेज में कितने गए हैं वो आज तक चर्चा नहीं हुआ। गलती हुई इसकी जब कोविड हुआ, कोविड के पहले तक ये G2 यूएस चाइना रिलेशन, स्पेशल रिलेशन, हम सुपर पावर हो गए, सारा बात कर रहा था। एक तो ट्रंप ने इसको तोड़ना शुरू किया, उसके बाद कोविड में इसने जीरो कोविड पॉलिसी कर दी। अब ये मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्लोबल सप्लाई चेन हब था तो दुनिया को तो बहुत बुरी तरह हिट हुआ। अब वो अलग बात है कि उनके खुद के पास पैसे नहीं थे तो उनको कम चीज चाहिए था, तो उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग देशों को देने लगे, और उसको एक्सेप्ट करने के बजाय वुल्फ वॉरियरिज्म शुरू किया कि लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर दोष डालना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना मना कर दिया, और जबरदस्ती थर्ड टर्म लिया, और कोविड के बीच में इंडिया के साथ लड़ाई ले ली। जो इनके खुद के सोशल मीडिया में कह रहे थे कि आप कर क्या रहे हो, आपको इंडिया चाहिए, अगर आपको BRI सक्सीड होना है, इंडिया के बगैर आप सक्सीड नहीं कर सकते, उसी को एंटेगनाइज कर रहे हो और पिट गए। तो सडनली अब क्या हुआ, जो उसके अंदर फैक्शंस थे जो दब रहे थे उनको वॉइस मिलना शुरू हुआ। और वॉइस कैसे मिला, थर्ड टर्म के मीटिंग के पहले वो उरुमची में आग लगा और कितने सारे लोग सड़क पे आ गए अलग अलग शहरों में। कुछ लोग कमेंटेटर्स उसको थ्यानानमेन स्क्वायर के साथ कंपेयर कर रहे थे, ना जी, थ्यानानमेन स्क्वायर सक्सेसफुली दबाया गया क्योंकि वो एक ही जगह हुआ था, थ्यानानमेन स्क्वायर इन बीजिंग। यहां तो उन्हीं के पेपर कह रहे हैं कि 45 सिटीज में था। अगर पेपर कह रहा है 45 सिटीज में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने जगह थे। जबी तो डर के मारे एक साथ उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी फट से बंद कर दिया। अब पॉलिसी बंद किया, हेल्थ सर्विस भी बंद कर दिया, सपोर्ट भी बंद कर दिया, पता नहीं कितने लोग मरे हैं उसके बाद भी और उस वक्त भी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब आपने अब इकोनॉमी खोला तो देवर नो टेकर्स, क्योंकि तब तक यूक्रेन वॉर भी शुरू हो चुका है, वैसे ही कोविड के कारण इकोनॉमी वेस्ट की डाउन थी, आपका पूरा इकोनॉमी जो चाइना का था वो वेस्ट पे डिपेंडेंट था वहां सेल के लिए। यूक्रेन वॉर शुरू हो गया तो अभी तो वो तकरीबन रिसेशन के कगार में है, और जो छोटा मोटा उनको चाहिए उन्होंने दूसरे देशों को आउटसोर्स करके रखा हुआ है, चीन की जरूरत नहीं है उतना। ये नहीं मैं कहता कि चीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मगर उस लेवल पे जो पहले था वो चाहिए नहीं। इकोनॉमी टूट गया आपका, डिप्लोमेटिकली आप आइसोलेट हो गए हो, मिलिटरीली आपको इंडिया ने ऐसा थप्पड़ मारा है, सारे देश खड़े हो गए सीना तान के कि इंडिया के साथ हम हैं। आप इतने शोर शराबा करते हो जब कोई ताइवान आता है या ताइवान प्रेसिडेंट US जाता है, लेकिन कर कुछ पाते नहीं हो। तो एक तरह से जो पब्लिक है वो भी नाराज हो गई है, और ये सारे इसके सेल्फ क्रिएटेड हैं, किसी ने बाहर से उसको नहीं बोला। अभी जैसे ताइवान है, सब ने बोला था कि आप इतना इंटरलिंकिंग ताइवान के साथ कर दो कि ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो पब्लिक आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो वन कंट्री टू सिस्टम्स के साथ चलना चाहते थे। आपने वो तोड़ दिया जब हांगकांग को आपने कब्जा कर लिया, वो टू सिस्टम तोड़ दिया,
अब अगर आप ताइवान को बोलो वन कंट्री टू सिस्टम, कौन ताइवानीज एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हांगकांग उनके सामने है कि आपने क्या किया हांगकांग के साथ, तो कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता। अब टंग शाओपिंग का कॉमन पब्लिक के साथ एक ये डील था कि आप अपना लिबर्टी और कंटिन्यूड कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को क्वेश्चन नहीं करोगे, मैं आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता रहूं। अब वो इकोनॉमिक बेनिफिट तो गई तेल लेने, खत्म हो गया उनका वो, ये खुद भी रिसेशन के कगार में खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। हाँ, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, छोटे मोटे जो कंपनीज हैं वो अभी भी चाइना के साथ उनका डील है, बट वो लेवल नहीं है ना, लाखों के तादाद में इनकी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है और हर साल 11 मिलियन ग्रेजुएट आ रहे हैं जिनके पास जॉब नहीं है। हालात ये कर दिया है, इसने कहता है अगर हफ्ते में 2 घंटे आपने काम कर लिए तो आपके पास जॉब है, नहीं, इट्स लाफेबल। हफ्ते में 2 घंटे जॉब कर लिया तो मतलब यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड। इस लेवल की सोच अगर लेके चलोगे तो ऑब्वियसली जब जनता पूरा आपके पीछे पड़ गया है, अच्छा पीएलए के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो आप, रॉकेट फोर्स के सारे बंदों को निकाल दिया है, जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है जो आपके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सारा कुछ करना है, उनके दोनों लीडर्स को आपने आउट कर दिया क्योंकि पता नहीं आपको शक्ल पसंद नहीं है, क्या डर है आपको, आपके ही ये चुनिंदे बंदे थे जिनको आप लेके आए थे उन्हीं को आप निकालना शुरू कर दिए हो, आपका डिफेंस मिनिस्टर है उसको निकाल दिया है, जो आप अपना ब्लड ब्रदर कहते हो, जो मैंने बताया था वो वाइस चेयरमैन झांग यूजिया, वो भी गायब है, उसको भी निकाल दिया है क्योंकि इक्विपमेंट डेवलपमेंट ब्रांच जो है, डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया है, वो सबसे पहला बंदा था जो इक्विपमेंट डेवलपमेंट ब्रांच का हेड बना था झांग यूजिया, उसके बाद उसी ने अपना हैंडपिक अपने बंदे चहेते बंदे ली शांगफू को लेके आया था वहां पे, ली शांगफू अभी डिफेंस मिनिस्टर है और ये कंटिन्यू कराया इसको, हालांकि उसका एज हो चुका है, इससे शी जिनपिंग से भी ओल्ड है वो, 72 साल का है, अब तक तो रिटायर हो जाना चाहिए था, उसको दोबारा दिया है, वो भी गायब है। कैसे गायब है, क्यों मैं कह रहा हूँ गायब है, मैं आपको समझाऊंगा आगे, बिकॉज ये ओपनली उनके मीडिया में नहीं आता है, लेकिन जब मीटिंग के अटेंडीज को देखते हैं वहां से समझ जाते हैं आपकी कोई बात है, ठीक है। अब क्या हुआ है, हर साल इनके क्लाइमेट चेंज का इतना बुरा हो रहा है पिछले 2 साल में, या तो फ्लड्स होते हैं या फिर ड्राउट हो रहा है, और जो ये कहते हैं कि हम 70% अगर कह रहे हैं कि हम अपना ग्रो कर सकते हैं तो उसको हाफ कर दीजिए, मतलब समवेयर अराउंड बिटवीन 30-50% ही जो इनको चाहिए, क्योंकि ये पहले ही फूड डिपेंडेंट रहे हैं, फूड सिक्योरिटी नहीं है इनमें, जैसे हमारे में हम फूड सरप्लस है, हमें फूड सिक्योरिटी है, उनमें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देश बहुत बड़ा है लेकिन एरेबल लैंड है जहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो केवल 7% है उस लैंड मास। अब इससे प्रॉब्लम और आ रहा है कि आपकी जो डेमोग्राफी है वो डिक्लाइन होते जा रही है, पिछले साल इस साल बर्थ रेट इज लेस देन द डेथ रेट, दैट डजंट ऑगर वेल, और ओल्ड जो पीपल है उनका क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, यंग कम होते जा रहे हैं, मतलब वर्किंग हैंड आपका कम है और जो पेंशन एज के ऊपर लोग हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, तो यूथ जो है बिल्कुल ही, हम तो बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस की बात करते हैं वेस्ट जैसे, हम भी बात करते हैं मिड लाइफ की, भाई मिडिल एज पे आता है आदमी, थोड़ा थोड़ा क्राइसिस पे रहता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, इनके तो ग्रेजुएट लाइफ क्राइसिस हो रहा है, ग्रेजुएट आने के बाद काम करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि काम ही नहीं है। अब एक बच्चा है उसने 6 बंदों का ध्यान रखना है, इसके 2 पेरेंट्स और डबल सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, फादर के पेरेंट्स और मदर के पेरेंट्स, इन सबको इसने ख्याल रखना है। बीवी आ गई तो 12 बंदे हो गए, ये प्रॉब्लम है, तो दे आर गिविंग अप होप द यूथ
नॉट मोटिवेटेड, ये बहुत बुरा साइन है। अगर आपके यूथ के अंदर जोश नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है कि मैंने कुछ करना है देश के लिए, तो ये बहुत बुरा साइन है देश के लिए। ये हालात चल रहे हैं उसके चैलेंज में, और इसीलिए आप देखोगे कि इसके कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही चैलेंज शुरू हो गया है। क्यों? कम्युनिस्ट पार्टी को ये मतलब नहीं है कि शी जिनपिंग कंटिन्यू करता है कि नहीं, उनको चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के ऊपर कंट्रोल उनका रहना चाहिए। और मेरा अंदाजा है कि जितना ज्यादा देर शी जिनपिंग चाइना के ऊपर रहता है, सीपीसी के ऊपर रहता है, उतना ज्यादा पकड़ सीपीसी का चाइना के ऊपर ढीला होता जाए। और अगर पीएलए भी टूटता है और लोग भी आ जाते हैं, तो उनको वो है सबसे ज्यादा डर। और क्यों है आगे समझाऊंगा, पीएलए से डर क्यों है। इसके अंदर अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्शन, 7 फैक्शन है, और एक सेट ऑफ 3 लोग हैं जिन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले किनके साथ। सबसे पहले है इनका जेजियांग फैक्शन, जो जहां से ये आता है, जहां से इसने सबको लेके आया है, वहां पे इसका प्राइम मिनिस्टर है ली क्यांग और 3 और बंदे उसके साथ है। फिर जेजियांग से पहले ये फूजियान में काम किया था, इनके लोगों को भी लेके आया था, अब वो भी फैक्शन शुरू हो गया है। उनके अंदर स्टैंडिंग उसमें पॉलिट ब्यूरो में काइची करके है एक बंदा, उसके साथ 5 बंदे हैं उसके साथ जो उसके लाए हुए हैं। ये 3 जैसे, 2 जैसे ली क्यांग के साथ बोला, वो ली क्यांग ने अपने बंदों को लाया है। अब शांजी जो इसके खानदान के साथ रिलेशंस है, शांजी से ये आए थे, शांजी नॉर्थ वेस्ट जहां पे लॉन्ग मार्च करके गए थे, तो ये भी शांजी में भेजा गया था इनको पर्ज करके। तो शांजी के जाओ लेजी करके बंदा है, वो अपने 3 लोगों को साथ लेके आया, वो अब अलग से खड़ा हो रहा है। जैंग ज़ेमिन का शंघाई फैक्शन तो है ही है, उसमें हान झेंग है और एक और बंदा है। अभी सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है जिसमें ये ली शांगफू पकड़ा गया है, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल फैक्शन था। तो ली शांगफू ही नहीं, उसके जो इंडस्ट्री के उसके बंदे जो उसने प्लेस किए थे, 4-5 हैं, वो हेड्स भी कैप अरेस्ट हो गए हैं, और 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसे लोन वगैरह देते थे इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, उनके हेड भी अरेस्ट हो गए। ठीक है, तो मैं आगे बता रहा हूं, लोग केवल ली शांगफू बोलते ना जी, और भी हैं। और आप इसीलिए मैं कहा कि हजारों के तादाद में जा रहे हैं, तो ली शांगफू मतलब उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसके साथ जो पर्सनल स्टाफ है, उसने जो अपना स्टाफ लेके आया था, पर्सनल स्टाफ है जो उसके पीए पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, अपना स्टाफ होता है, उसके नीचे जो स्टाफ ऑफिसर्स काम करते हैं, ये सारे गए हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के भी 4-5 वो फैक्ट्रियां हैं वहां से गए हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, 1 बैंक है और 3-4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके हेड गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने सारे गए हैं। ओके, उसके बाद ये छिंगवा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो वहां का भी एक बंदा लाया हुआ है, वो भी एक फैक्शन आ गया है। अभी जो बचे जो हैं 7-8 बंदे हैं, जो इनमें से किसी में से नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग को भरोसा है ये काम करेंगे, तो उन्होंने अपनी एक गुट बना ली है कि ये सब उसके साथ है, हम साथ हैं। 3 बंदे हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले किसके साथ है। एक है वान हुनिंग, उसको मैं ग्रेट सर्वाइवर बोलता हूँ, इसकी जिंदगी शुरू हुई है चैंग ज़ेमिन के साथ, जब चैंग ज़ेमिन आया है। ये है जो सारे लिखता है, जैसे बोलते ना 3 कनेक्ट्स, 4 दिस थिंग, 5 दैट थिंग, ये चैंपियन है जो लिख के देता है वान हुनिंग। और अभी जब से हु जिनटाओ के बाद, ये जब से शी जिनपिंग आया है, उसके साथ ये भी चल रहा है, ये शी जिनपिंग थॉट और ये वो, ये सब इसका लिखा हुआ है। दूसरा वांग यी है, जो अभी दोबारा से उसको फॉरेन मिनिस्टर का हैट भी पकड़ा दिया है। और तीसरा एक है ली होंगजोंग,
उसने भी, ये तीन बंदे हैं जिन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले। और ये अंदाजा लगा लीजिए आप अपने ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, आप देख लीजिए जब कंट्रोल जो पार्टी का हेड होता है उसका वीक होता है तब फैक्शंस खड़े होते हैं और हर एक जो लोकल हेड होता है वो खड़ा हो जाता है कि मैं भी हूँ, अलग तरीके से बात करने लगता है। ये एक इंडिकेट कर रहा है डायरेक्टली कि सीपीसी के अंदर भी, पॉलिट ब्यूरो के अंदर ही इतने सारे फैक्शंस आ गए हैं, मींस शी जिनपिंग इज स्लिपिंग। इसके पहले नहीं थे, ना पहले टर्म में था ना सेकेंड टर्म में था, ये थर्ड टर्म में निकल के आया है। अब पीएलए से डर है क्योंकि इतने सारों को उसने निकाला हुआ है और एक दो मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं अभी जो मतलब और डर उसको पैदा कर रहा है। जुलाई के महीने में सबने सुना होगा कि वो बड़े फ्लड्स आ रहे थे, वो जोंगनानहाई के तरफ आ रहा था, बीजिंग जोंगनानहाई है जहाँ पे इनके सारे बंदे रहते हैं, और बीजिंग नॉर्थ के तरफ आ रहा था तो उसने डाइवर्ट कर दिया झाउझाऊ की तरफ साइड में। हुआ क्या, 82nd ग्रुप आर्मी जो है उसका बेसिक टास्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बीजिंग के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। भाई साहब बह गए 82 ग्रुप आर्मी हेडक्वार्टर और उनके इतने सारे जितने ये स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स और सारे इनके एसएसएफ के वहां पे बंदे बैठे थे जो सारा कंट्रोल करते हैं, सब बह गया। सब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ युआन की इनकी लॉस हो गई है वहां पे, बंदे कितने मरे हैं उसका हिसाब नहीं बता रहे, बह गए। हेडक्वार्टर्स है वहां पे 82 ग्रुप आर्मी का, इन्हें दिमाग ही नहीं लगाया अपने आप को बचाने में, वहां पे भेज दिया। तो अभी 82 ग्रुप आर्मी में बहुत गुस्सा है, कुछ लोग तो बच गए हैं, हायर जो अथॉरिटीज हैं वो तो बच गए हैं, लेकिन जो मैन कर रहे थे उनका जो मेन एयरबेस है जहां से सारे ये ड्रोन्स वगैरह उड़ाते थे स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स, गया, सब बह गया। तो पेपर में केवल आया था कि 3-4 गांवें बह गई, उन्होंने ये नहीं कवर किया कि भाई साहब 82 ग्रुप आर्मी हेडक्वार्टर भी वहीं था, वो भी बह गया। ओके, नेक्स्ट इनकी एक सबमरीन सिंक हुई है, ये अभी निकाल रहे हैं, मैं तो 2 महीने पहले से बात कर रहा हूं इसके बारे में, न्यूक्लियर सबमरीन। इन्होंने नीचे ना चेन और एंकर सब लगा के ये किया हुआ था कि कोई सबमरीन हमारे इलाके में आता है तो वो फंस जाएगा उसमें और वो सिंक हो जाएगा सबमरीन, इनकी खुद की सबमरीन हो गई सिंक। कैडेट्स को ले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, अभी ये खुल के नहीं बता रहे हैं कि उसमें न्यूक्लियर वेपन्स था कि नहीं। अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि तकरीबन 21 इनके नेवल ऑफिसर्स थे ऑफ द लेवल, सीनियर लेवल कैप्टन्स लेफ्टिनेंट कमांडर्स इस लेवल के 21 ऑफिसर हैं जो मर गए, कैडेट्स और भी मरे हैं और सर्विसमैन भी मरे हैं। एक बंदा बाहर निकल के आया था, उसने ऑक्सीजन मास्क लगा के बाहर निकल के आया था अपना स्क्यूबा डाइविंग इक्विपमेंट देखने के लिए क्या है। जब तक उसने देखा क्या हुआ और जाने की कोशिश की उसको तकरीबन आधा घंटा लगा होगा, थैंक यू हो गए थे अंदर सब। अब हुआ क्या, ऑक्सीजन से हुआ क्या हुआ वो कोई बता नहीं रहा है, लेकिन अंदर सब के सब मरे थे। वो नहीं जवाब दिए तो ये बाहर आया, शिप्स देखे, उन्होंने उसको उठाया, फिर वहां से फिर बंदों भेजे, फिर उठाने की कोशिश की, फंसा हुआ था बुरी तरह से उन चेन और उसमें, बंदे गए काट कूट के निकाला लेकिन कोई नहीं था। अभी तक इन्होंने ऑफिशियल कोई बताया नहीं है, दबाव आ रहा है पीएलए नेवी की तरफ से क्योंकि ऑब्वियसली नियर एंड डियर वंस तो इंटरेस्टेड है कि हमारे बंदे आए नहीं, बात नहीं कर रहे किधर है। और यही रीजन था ब्रिक्स में जो पहले दिन जो उनका जो बिजनेस मीटिंग था वो अटेंड नहीं किया था क्योंकि ये हो रहा था। ओह माय गॉड, इमेजिन पूरी की पूरी सबमरीन में लोग मर गए, दिस एंड दैट टू विद देयर ओन फॉल्ट। ठीक है, तो अभी जो उभर के आ रहा है
ये एक बार दो बार पहले हो चुका है और मेरे ख्याल से अभी भी पीएलए ने बोला होगा। 85-86 में जब टंग शाओपिंग रिफॉर्म कर रहा था और तकरीबन अराउंड 2010-11 के आसपास जब हु जिनटाओ, जब ये ब्रिगेडाइजेशन करके रिफॉर्म्स कर रहा था हु जिनटाओ, सर्विंग और रिटायर्ड जनरल्स ने लिख के दिया था कि अब टाइम हो गया है कि पीएलए कम्युनिस्ट पार्टी से टूट के अलग हो जाए और चाइनीज नेशनल मिलिट्री बने। और उन्होंने उन चिट्ठियों में इनका भी दिया था क्यूबा के बारे में, वियतनाम के बारे में, सोवियत यूनियन के बारे में, कि जो भी रेड आर्मी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, लड़ने के बाद जब पावर में आए हैं वो आर्मी फिर पार्टी से निकल के बिकेम पार्ट ऑफ द स्टेट, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। टंग शाओपिंग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, हु जिनटाओ ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, और शी जिनपिंग भी इसीलिए बार बार बोलता है यू आर कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्डर्स फॉलो करना, और पीएलए कह रहा है कि इट्स टाइम हम कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं, हम देश के मिलिट्री बनना चाहते हैं। बाकी और बाकी पूरे संसार में मिलिट्री जो है वो देश का मिलिट्री होता है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये पीएलए है जो कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ओथ लेता है। तो अभी लग रहा है कि वो दोनों सेम पेज में नहीं है। पीएलए डेली में भी बाय द वे दो हफ्ते पहले राइट अप आया था, पीएलए डेली, पीएलए का जो पेपर है, कि हम तैयार नहीं है, हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये दबाव डाल रहा है लड़ने के लिए इंडिया के साथ नहीं तो ताइवान के साथ, और वो कह रहे हैं हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी लाना अच्छी बात है, आप नया टेक्नोलॉजी लेके आते हो, लेकिन एक टर्म हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन। जो आम सोल्जर होता है ना वो इतना टेक सेवी नहीं होता, उसको थोड़ा समय लगता है समझने के लिए कि ये जो नया इक्विपमेंट मेरे को आया है किस तरह से इसको यूज करूं और इफेक्टिवली यूज करूं, वो ये चुटकी बजाने में नहीं होता है। दूसरा, चाइना के 40% जो सोल्जर्स हैं वो तो कॉन्स्क्रिप्ट है, कॉन्स्क्रिप्ट को इंटरेस्ट ही नहीं है इसको समझने में, जो बचे 60% हैं उनको तो टाइम लगेगा। और इसने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ला दिए हैं शिप्स के, नए जहाजों के, इसके पास ट्रेन करने के लिए खुद के लिए आदमी नहीं है, इसीलिए तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया यहां से रिटायर्ड वेटरन्स को लेके आ रहा है। और महीने के, यू वोंट बिलीव इट, वो जो ऑस्ट्रेलिया में एक यूएस का बंदा पकड़ा गया है मरीन पायलट, $250,000 अ मंथ सैलरी दे रहा है वो कि मेरे बंदों को आके ट्रेन करो। तो अब ये सारे देशों ने अपना लॉ निकाल दिया और मना कर रहे हैं कि ऐसा करोगे तो यू विल गो टू जेल, तो वहीं रह जाना, वापस मत आना, वापस आओगे तो जेल जाओगे। अभी तो वो मरीन वाला जो बंदा है वो एक्सट्रेडिशन की लड़ाई लड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वहां से ये बम फूटा था कि इनके पास बंदे नहीं है। आप बोल तो रहे हो धड़ाधड़ में इतने शिप्स लेके आ रहा हूं, तो शिप्स में आपको शिप अकेला तो चलता नहीं है, आपको आदमी चाहिए। अब ये प्रेशर जो है पीएलए में बहुत आ रहा है कि यार कैसे मैनेज करेंगे हम। तो अब उसको बिगेस्ट डर ये है कि ये मेरे को उड़ा देंगे पीएलए वाले, और सबसे बड़ा डर है इसको हवाई जहाज में ट्रैवल करने का। अब इंडिकेटर बताता हूं, ब्रिक्स से जब निकला, नॉर्मली क्या होता है, आप एक मीटिंग खत्म करते हो तो अपने स्टेट के कैपिटल वापस जाते हो, ना जी ये गए उरुमची, 3 दिन बिताए वहां पे, दो दिन तो उरुमची लोकल से बात किया, तीसरे दिन कैबिनेट मीटिंग बुलाया, आपके पूरे बीजिंग से सारी कैबिनेट यहां आई, और वहां पे कौन दो लोग मिसिंग थे, ली शांगफू एंड झांग युहाई, डिफेंस मिनिस्टर और इसका ब्लड ब्रदर, जो बोलता है ना कि मेरा ब्लड ब्रदर है झांग युहाई, जो वाइस चेयरमैन नंबर 2 इन सीएमसी, जब ये नहीं होता है ही इज द चेयरमैन ऑफिशिएटिंग, वो भी नहीं था, उनका जो नंबर 3 था वो आया हुआ था,
अभी भी जब मीटिंग हुआ है सीएमसी का, ये दोनों गायब है। जब एक ने पूछा तो उनके वीचैट में निकला था कि नहीं नहीं नहीं, वो उसने अपने आप को सरेंडर किया। व्हाट डू यू मीन सरेंडर किया? मतलब वो भी अंदर है, क्योंकि इक्विपमेंट डिपार्टमेंट को दबा रहा है ना ये। अब ये सारा बम जो है इक्विपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर फोड़ना चाहता है कि बंदे नहीं है, ट्रेंड बंदे नहीं है। इक्विपमेंट डिपार्टमेंट की क्या गलती है यार? तुमने ऑर्डर दिया उनको कि इतने निकालने हैं, और इक्विपमेंट जो निकल के आ रहा है वो काम नहीं कर रहा है इनका। जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल रहे थे उसमें तो डेक के ऊपर इतने बड़े क्रैक्स आ गए हैं। दूसरा जो अपना खुद का बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर है, थोड़ा बाहर निकलता है वापस, तकरीबन 8-10 महीने तो वो ड्राई डॉक में रिपेयर ओवरऑल के लिए चला जाता है। अभी भी निकला था 3 दिन के लिए ताइवान, वो जब से मिला था वो तो वहीं पे ड्राई डॉक में था, रिपेयर रिफिट पता नहीं क्या हो रहा है। 3 दिन के लिए उसको निकाला ताइवान का, जब वो स्ट्रेट्स का वो कर रहे थे, क्योंकि साइवेन वहां पे मिलने गई थी, हुआ खत्म। उसके बाद चले गए, कहता है पीरियोडिक मेंटेनेंस। अबे यार 3 दिन निकला है, कौन सा पीरियोडिक मेंटेनेंस 3 दिन में होता है? 6 महीने का मैंने सुना है, साल का सुना है, 3 दिन का, वो तब से अंदर बंद है। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो अभी इसको ये डर सबसे ज्यादा बैठा है कि मेरे को उड़ा देंगे। और एक कहानी ये भी निकल के आ रही है, शायद ये भी एक कारण है कि रॉकेट फोर्स के पीछे गया है, लेकिन मैं उसको इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि एयर डिफेंस के वेपन्स तो सारे थिएटर कमांड, सारे ग्रुप आर्मी इसके पास है, कोई भी ठोक सकता है इसको। अब इतना डर गया है, बीजिंग में ज्यादा रुकता नहीं, और जहां भी जाता है ट्रेन से जाता, चाहे एक दिन लग जाए चाहे ज्यादा लग जाए, आर्मर ट्रेन में जाता है ये। अब ये डर अच्छा है। अब ये फिशर्स हैं आपको चाइना के अंदर, सिंचांग के अंदर, टिबेट के अंदर, यूनान के अंदर, हर इलाके में, हांगकांग में भी बंदे मिल जाएंगे। अगर इसमें मुझे वेस्ट के साथ हाथ मिला के और चुप इसको उंगल करना है, ये बिल्कुल सही टाइम है। अपने बॉट्स लगाओ, इनके अपने वीपीएन जो होता है उसको कई जगह बाउंस करा के ताकि ट्रेस ना हो, इनके वी चैट वेबो में घुस के अनशन शी जिनपिंग के अगेंस्ट बोलना शुरू कर, तोड़ना शुरू करो। ये सही टाइम है और यही तरीका है, और इसी को जो ये थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटजी अन्य देशों में और हमारे ऊपर करता है, अब ये आइडियल टाइम है उसके ऊपर थोपने के लिए। उसको जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी जो ये आप थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटजी करोगे, जो एक्चुअल फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है उसके ऊपर लपेट के नैरेटिव देना शुरू करो, ताकि शी जिनपिंग ही नहीं सीपीसी को अब टारगेट करो, क्योंकि शी जिनपिंग के अगेंस्ट पहली बार पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ है, बाय नेम पीपल ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बाय नेम। पीआरसी के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि शी जिनपिंग शुड गो। अब हमें उसको और बढ़ा के बोलना है सीपीसी शुड गो, सीपीसी शुड गो, सो दैट डेमोक्रेसी कम्स देयर और ताइवान जो है वो मेनलैंड को टेक ओवर कर ले। ये सोच रहे हैं कि हम ताइवान को अपने साथ मर्ज करें, उल्टा करवा दो, तो वो होने में टाइम लगेगा, बट ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। सही मौका है अभी। चाइना इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली वीकेस्ट पे है, और ह्यूमन इंडेक्स में भी वीकेस्ट पे है सीपीसी, क्योंकि आम जनता उनके साथ नहीं है। हमें अंदाजा लगा लो, अराउंड 1.4 के करीब, 140 करोड़ के आसपास इनकी जनता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स केवल 90 मिलियन है, 9 करोड़ ओनली, 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन स्ट्रेंथ, और उसमें से भी कई आइडियोलॉजिकली उनके साथ नहीं होंगे। जो 9 करोड़ हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कि भाई मेरे को कॉलेज में मिल जाएगा, मेरे को काम अच्छा मिल जाएगा। अभी तो सबको पता है कौन सा कॉलेज, कौन सा काम, पैसे तो किसी के पास नहीं है, वो कम्युनिस्ट है नहीं, वो कम्युनिज्म फॉलो ही नहीं करता है। कम्युनिज्म में वोम टू टोम स्टेट सारा पैसा देता है,
यहाँ वोम टू टोम आदमी ने पैसे देने, हर चीज के लिए आदमी ने पैसे देने, पैसे है नहीं उनके पास। ये तो 2021 में ही मई में इसने अपना ली के शांग ने स्पीच में बोला था ना, इनके टोटल एट दैट टाइम ही हैड क्लेम 900 मिलियन वर्कर्स आर अवेलेबल टोटल वर्किंग हैंड, आउट ऑफ विच ही सेड मोर देन 600 मिलियन आर बेरली सर्वाइविंग इन 1000 युआन अ मंथ एंड एट दैट टाइम द पॉवर्टी लाइन वॉज 1500 युआन। अभी कम कर दिया हो तो अलग चीज है, दैट टाइम द पॉवर्टी लाइन वॉज 1500 युआन, दैट मीन 600 मिलियन वर्कर्स वर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तभी से वो फ्लैग कर रहा है कि तुम्हारे पॉलिसीज गलत हैं, पॉलिसीज गलत हैं। हम शी जिनपिंग को बोलते हैं कि ये चाइना का रिवेंचिस्ट है कि बाहर के सिस्टम्स हैं उसको तोड़ रहा है, नहीं इसने तो पूरे अंदर के सिस्टम को तोड़ दिया। जो टंग शाओपिंग ने ओपन अप किया था, सारा कुछ फैसिलिटीज दिए थे बंदों को, थोड़ा फ्रीडम दिया था थोड़ा बहुत, वो तो सब तोड़ के वापस माओ एरा में ले गया इनको, और पैसे है नहीं। तो ये जो मौका है हमारे पास, मैं तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे से पूछेगी तो मैं तो कहूंगा ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, ये मौके बार बार नहीं आते। क्योंकि अगला बंदा जब आएगा सीपीसी से, उसके बारे में हमें पता ही नहीं, अभी तक तो पता ही नहीं है कौन आएगा, उसके बारे में हमने स्टडी की है क्या? हमें अब स्टडी करके ये देखना चाहिए, नेट असेसमेंट करके, कि ये तो करना ही करना है, और किस तरह से कहां कहां क्या क्या फ्रिक्शन हमने शुरू कराने ताकि आपस में लड़े। क्योंकि नॉर्थ जो चाइना है उनकी साउथ चाइनीज से बनती नहीं है, क्यों? मैंडरिन सेंट्रल और नॉर्थ चाइना में ही होता है, नॉर्थ सेंट्रल एंड नॉर्थ चाइना, साउथ सेंट्रल एंड साउथ चाइना इज कैंटनीज, कैंटनीज लैंग्वेज अलग है, मकाओ हांगकांग शंघाई ग्वांगझाओ ये सारे कैंटनीज बात करते हैं, इट इज सिमिलर टू मैंडरिन बट डिफरेंट। तो ये तो नॉर्थ ने थोपा हुआ है, आप वो भी ले आओ अंदर उसके, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्यों नहीं कर लेते? तो ये मौका है, अपना स्ट्रेटजी बनाओ, प्लान बनाओ, रास्ता खुला है, रास्ता उसने दे रखा है, खिड़की खोल के दे रखी है आपको, तो मच्छर की तरह घुस जाओ अंदर। ये मेरा मच्छर नहीं बोलेंगे, शेर की तरह अंदर घुस जाओ, मच्छर बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल 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 नहीं नहीं शेर शेर बाद में आएगा ना, शेर आने से पहले मच्छरों को भेजो, उसके बाद शेर आएगा अपना काम करने। मच्छर तो जैसे मैंने बोला ना, वेस्ट को जो मदद देना है दे दो, तो मैं वेस्ट को मच्छर की तुलना कर रहा हूँ, जब हम घुसेंगे अंदर तो हम तो बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हुए घुसेंगे। जी सर, मैं आपकी स्टोरी में इतना लॉस्ट आउट हो गई थी कि मैं क्वेश्चन सोच के रखी हुई थी और मैं भूल गई क्वेश्चंस कि मैंने सच क्वेश्चन क्या रखा था लास्ट के लिए। अच्छी बात है। और आई वाज राइटिंग द पॉइंट्स कि हां ये वाली बड़ी मस्त लाइन है, ये वाली बड़ी, बिकॉज़ आई हैव टू थिंक अबाउट द अदर थिंग आल्सो नो, कि व्हिच इज द बेस्ट सेलिंग पॉइंट। तो मैं क्वेश्चंस ही भूल गई, मैं अभी ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन तो मैं एडिट कर दूंगी, बट हाँ आपने एक वाला पॉइंट सर बहुत अच्छा बोला कि ये पीएलए से लड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या इसका पीएलए का ऑफिशियल स्टैंड माना जा सकता है? बिकॉज़ ये बहुत बड़ी हेडलाइन है। पीएलए डेली में लिया हुआ है यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो पीएलए डेली में उन्होंने छापा हुआ, और पीएलए डेली तो पीएलए का है, मतलब जो बचे लोग हैं सीएमसी में हुवेई डोंग और बाकी लोग, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इसको, तभी तो छपा है पीएलए डेली में। पीएलए डेली में मतलब सीएमसी के अंदर ही दरार आ चुकी है ना, राइट उनको पता है, इतनी अच्छे अच्छे दिमाग में आए थे, फिर आई वाज सो लॉस्ट इन द स्टोरी कि मैं क्वेश्चन ही लिखना भूल गए। जैसे गलवान के बारे में हम बोलते हैं 20 मरे 20 मरे, उनके उन्होंने अभी तक 4 पहले थे, 5वां लिया है। इनके वेबो चैनल के अंदर ही जब गलवान इंसिडेंट खत्म हुआ था, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक ग्रेवयार्ड दिखाया था जो उनके कब्जे वाले इलाके में अक्साई चीन में ही है गलवान के पीछे, नया खोला इन्होंने सिमेट्री 143,
वो बंदा खड़ा हो के काउंट कर रहा है और पूछ रहा है कौन है ये, इनके क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, चाइनीज में बोल रहा है। 143 तभी से खुंदक शुरू हो गई थी। और इतना तो मुझे पता है, मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, उनके साइड से भी कंफर्म हुआ है। जब हमने कैलाश रेंज को कब्जा कर लिया था, इनका एक कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड नीचे डिले हो गया था, वो नीचे था, उसको डायरेक्टली हुक्म आया था फ्रॉम सीएमसी कि अटैक करो और कब्जा करो और इंडियंस को फेंको। उसने ओपनली मना कर दिया, कहते पागल हो तुम, आके देख लो कितने वो हैं और हम क्या हैं। अब वो उस ब्रिगेड कमांडर का क्या हुआ मुझे पता नहीं, उसने मना कर दिया कि आप पागल हो। और आप समझ लो कि उनके ऊपर दबाव कितना था, जो पेंगोंग सो से जो बोलते हैं कि हम कैलाश रेंज से उतर गए, वहां नहीं जाना था। कैलाश रेंज तो अभी भी हम इमीडिएटली ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इसकी हालत क्या हुई है। जितने इन्होंने बंकर्स और जो कुछ रहने का बंदोबस्त किया था पेंगोंग सो के आसपास, सारा तोड़ के 10 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा है। इतनी जल्दी आ नहीं सकता वो वहां पे, तो चिंता ना करें देशवासियों, कैलाश रेंज में चढ़ना हो तो हुक्म मिलते ही हम चढ़ जाएंगे, वो नहीं आ सकते, इसीलिए तो घबरा रहा है। अभी आपने एक ऑल्टरनेट रूट बना दिया, वो आप सोच रहा था कि देपसांग इलाके में थोड़ा दबाव डालूंगा तो, क्योंकि वो डीएसडीबीओ रोड नजदीक पड़ता है, आपने ऑल्टरनेट रूट बना दिया। मेरे टाइम से ही चल रहा था तो उसके ऊपर काफी लोगों से, क्योंकि ग्लेशिएटेड एरिया है, परमाफ्रॉस्ट है, तो उसके ऊपर चल रहा था अपने आईआईटीज वगैरह के साथ कि टेक्नोलॉजी निकाल के बताओ। अभी पढ़ रहा था मैं तो खुश हुआ कि हाँ वो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आपका अल्टरनेट रूट आ गया, वो अंदर की तरफ से, इसको दिखता भी नहीं है, आप दौलत बेग ओल्डी डायरेक्ट पहुंचोगे, इसको दिखता भी नहीं है, अंदर ही अंदर। हाँ, अंदर की तरफ से पीछे की ये रोड तो ऐसे घूम के सीधा जाता है, ऐसे घूम के जाता है, ये ऊपर की तरफ से यहाँ पे पूरा रेंज है जो मैं बोल रहा था, उसमें ग्लेशिएटेड वाले सासेरला करके एक पास है, वहां से निकल के आप सीधे दौलत बेग गोल्डी पहुंच गए, आप क्या कर लेगा। दौलत बेग पे ही गांधी का जो एग्रीमेंट कहा जाता है, राहुल गांधी और सीपीसी में जो एग्रीमेंट हुआ था, बिल्कुल दौलत बेग गोल्डी के ऊपर ही था इनका कि मैं नहीं करने दोगे, ताकि जो आप ऊपर पास है और काराकोरम पास वगैरह जो पास में पड़ा है उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। लोग, कई लोग को समझ नहीं आता है कि काराकोरम पास वो समझते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में है, क्योंकि वो काराकोरम रोड है ना जी, काराकोरम तो रेंज है जिसके ऊपर से सड़क आ रहा है, तो काराकोरम रोड बोलते हैं, वो कुंजराब पास, दैट पास इज कुंजराब, काराकोरम पास ये डीबीओ के पास है, तो इसीलिए अभी हिला हुआ है। वो यांगसे में क्या हुआ सबको मालूम है, किस तरह से पिटके गए, उसके बाद से तो अभी कहीं कुछ करने के लिए मतलब हिम्मत नहीं है उनके पास। और यहाँ पे भी क्यों ये बोल रहे हैं कि हम तैयार नहीं हैं, ये जब गए थे बड़े शोर शराबा से इन्होंने बोला था अब की बार कि हम पूरा ब्लॉकेड करेंगे ताइवान, 3 दिन का था, हैं जी 3 दिन का था कि हम ब्लॉकेड करेंगे। हाँ जी, ये दौलत बेग ओल्डी है, काराकोरम पास यहाँ है, यहाँ से जो निकल के आ रहा है गिरगिट बाल्टिस्तान से, ये कुंजराब पास है, और अभी जो आ रहा है अंदर ये इस रास्ते से आ रहा है, यानी दौलत बेग ओल्डी के लेफ्ट कारगिल और वहां से लेफ्ट की तरफ से अंदर आ रहा है सड़क, अभी जो सड़क जा रहा है दरबुक श्योक एंड दौलत बेग ओल्डी डीएसडीबीओ दरबुक श्योक, ये तो ये रोड है जो एलएसी के नजदीक जा रहा है, इसके पीछे एक रेंज है और कारगिल ले के बीच में से ये सड़क ऊपर जाता है और वहां से अंदर घूम के आता है, तो ये इसको देख भी नहीं सकते। दूसरी इमेज लगाती बट एटलीस्ट लोगों को समझ में आएगा कि इसकी लोकेशन क्या है, तो इसलिए मैंने ये लगा ली। तो वो रास्ता वाला जो आप बता रहे, मेरे पास मैप है,
बट वो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत हेजी है, मैं एक बार इनफैक्ट शेयर करती हूँ उसको, उस पर डायरेक्शन हो सकता है। मैं बोल रहा था जब ये 3 दिन के लिए गए थे, पहले ही दिन के बाद इनके पानी खत्म हो गई थी। हाँ, ये तो मतलब अंदर की तरफ जो रोड है, जो बाहर की तरफ रोड है वो अक्साई चीन का, उनका क्या G1219 217 है वो है, उसके नेक्स्ट अंदर है दौलत बेग ओल्डी वाला, और तुरतुक के नीचे से जाके ऊपर से निकल के फिर ये सड़क आता है बिहाइंड सियाचिन एंड देन टर्न्स टुवर्ड सासिरला एंड गेट्स टू दौलत बेग ओल्डी। बहुत क्वाइटली अंदर ही अंदर बहुत सारी टनल्स बन गई है माउंटेन्स में, लोगों को पता भी नहीं चला जब अल्टरनेट रास्ते बन रहे थे इसके ऊपर। तो मैं जब एडीजीएमओ भी था 2013 से 2016 तक, उसके पहले से और उस तभी तब ये सब बातचीत चल रही थी और ये सारे के ऊपर काम के लिए, इन्हें वही होता है ना, लोग दूसरी तरफ देखते हाय ये कर दिया वो कर दिया, इनको पता नहीं लगता कि हम भी काफी कुछ कर रहे हैं, चुपचाप से करते हैं। तो इसका बता रहा था देवी का, 3 दिन की एक्सरसाइज है शिप्स, हम टैंक वाले हैं, हम तो 3 दिन सेल्फ कंटेन्ड रह सकते हैं क्योंकि जगह की कमी होती है। शिप्स जो होते हैं अमूमन 5 से 7 दिन सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, मतलब और कम से कम, नहीं तो फिर जगह बना के ये 10-15 दिन सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, उनको फिर विक्चुअलिंग की जरूरत, विक्चुअलिंग मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 दिन की एक्सरसाइज में यार पानी खत्म हो गई इनकी, क्या बात कर रहे हैं। ताइवानी शिप के पास आके बैग कर रहे हैं कि पानी दे दो, पानी खत्म हो गया। एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे डाला हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे नहीं जाता है, पूरा कैरियर ग्रुप होता है उसका, जहाज ही नहीं थे, एक डिस्ट्रॉयर था वो भी नदन फ्लीट से लेके आए थे और एक लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप गया होता। अबे यार 3 दिन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप, एयरक्राफ्ट कैरियर तो इतना बड़ा है यार, वो तो सेल्फ कंटेन्ड 15 दिन से ऊपर रहता है। आप लॉजिस्टिक सपोर्ट, और फिर बाद में घिस फिट के एक और आखिरी दिन एक और डिस्ट्रॉयर भेजा वहां पे, ऐसे थोड़ी होता है ब्लॉकेड। जब ही समझ आ गया था कि भाई साहब ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये ऐसे ही है, इनसे काम नहीं होगा, तब से इनको डर लगा है नहीं, इनके पास सपोर्ट नहीं है, बस वो दिखा के डरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात रॉकेट फोर्स की बात करो, हर बार जब भी इनको कुछ ना कुछ करना होता है ताइवान के अगेंस्ट तो ये रॉकेट्स फायर करते हैं, एयरक्राफ्ट जाता है रॉकेट्स फायर करते हैं और बाद में शिप्स करते हैं। जब नांसी पलोसी लैंड करके गई थी, इन्होंने 11 रॉकेट्स फायर किए थे, 6 इंटरमीडिएट रेंज वाले थे, 5 थे विच वर सपोज टू बी लॉन्ग रेंज, जगह दिखाया था कहीं और गिरे उसके विपरीत कहीं और, जगह दिखाया था ताइवान के पीछे की तरफ और गिरे जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ये 5। ये दर्शाता है कि इनकी आईसीबीएम थोड़ी टेढ़ी है, लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो, लिटरली वही हो गया था, लुकिंग ताइवान गोइंग टोक्यो। तो अब की बार जब इन्होंने किया, जब साइविन गई थी, इन्होंने वो बड़े मिसाइल फायर ही नहीं किए, छोटे मिसाइल तो 2-4 फायर किए थे, बड़े मिसाइल क्यों नहीं फायर किए। इनको भी शक है कि प्रॉब्लम है, अब गाइडेंस में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है वो इन्होंने सॉर्ट आउट करना है। अब खुंदा कितना आ गया है, आपने सारों को हटा दिया है, लाए किसके हो, किसको हो, नेवी वाला है जिसको लेके आया और जिसकी जिंदगी नेवी में गई है, मिसाइल का ABC तक नहीं जानता, स्पेलिंग लिख ले वही बहुत है, उसको लाके बैठा दिया, उसको बैठाया है। इनके पॉलिटिकल कमिसार होते हैं नॉर्मली, जो थिएटर कमांडर होता है पॉलिटिकल कमिसार उससे जूनियर होता है, यहां बंदा लेके आया है उससे 2 साल सीनियर पॉलिटिकल कमिसार, एयरफोर्स से लेके आया, नेवी से भी नहीं, एयरफोर्स से लेके आया, इससे सीनियर उसके सर पे बैठा रखा है। अब काम कैसे करोगे यार, आप इतने सारे लोगों को सैक करोगे तो मोराल कहां गया PLA का। उनका तो यही है ना कि अगर मैं आपका हुक्म फॉलो करूं और गलत हो जाए तो डंडा मेरे को पड़ेगा, आपका हुक्म फॉलो ना करूं तो डंडा मेरे को पड़ेगा, तो कोई हुक्म ही फॉलो नहीं करता। जब ही मैं कह रहा हूं PLA लड़ने के लिए आज के तारीख में तैयार नहीं, फिट नहीं,
इसीलिए बैकफुट पर है, इसीलिए थोड़े चुप भी हैं। हाँ बहुत बैकफुट पे है और इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। ये मौका है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने के, दबा के। जी सर, एक चीज मैं इसमें जानना चाहूंगी, ये जो जितना भी सब कुछ चाइना में हो रहा है, इसमें इंडिया का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो खुद वो क्या बोलते हैं भस्मासुर खुद ही बने हुए हैं। सेल्फ जनरेटेड बिकॉज दिस मैन इज अ मेगलोमेनियक। अगर चुपचाप से सेकेंड टर्म में चला जाता, सुंग एनकाई को बना देता, स्याप्पा होना ही नहीं था। थोड़ा बहुत स्याप्पा होता ये वुहान वगैरह का, लेकिन सुंग एनकाई ने इस तरह से जवाब नहीं करना था जैसे शी जिनपिंग ने किया। शायद अलग करता, ये तो हाइंडसाइंट की बात है, शायद कुछ अलग टास्क करता। सुनने में आ रहा है अभी जो बैदाहे में मीटिंग हुई थी तो ली के शांग आया था और चैंग ज़ेमिन का नंबर टू, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, झांग होनसेन ऐसी कुछ नाम है, वो आया था। और एक रिटायर्ड सीएमसी का जनरल था। ये तीन जन आके इसको बहुत हड़का के गए, डांटा था सबके सामने, सबके सामने झाड़ के गए इसको कि सुधर जाओ वरना देख लो क्या हो। और उसके बाद कहते हैं जो वीचैट और वेबो में निकला है कि ये रो रहा था अपने लोगों के सामने में कि क्या ये सब सब कुछ मेरी गलती है क्या। और लोग चुप थे, लेकिन वीचैट में कमेंट्स यही थे कि गलती तो तेरी है और किसकी है, 10 साल से तो तू ही लीड कर रहा है और किसको तू ब्लेम कर सकता है, सारे लीडिंग स्मॉल ग्रुप में तो आप ही हेड हो, सारे पॉलिसीज आपके हैं। अब गलती होगी तो किसी और को कैसे ब्लेम कर सकते हो, खुद को तो एक्सेप्ट करो कि तुमने गलती की है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि इकोनॉमी का एबीसीडी उसको आता नहीं है। ली चांग को लेके आया है जो इकोनॉमी का एबीसीडी उसको आता नहीं है। इसके खुद के अगेंस्ट ग्लोबल टाइम्स जो कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है, शंघाई में क्या क्या इसने नौटंकी की है, कितने गबन किए हैं, एक 2016 में और अभी एक आई थिंक 2019 के 20 में इसके अगेंस्ट निकला हुआ है। फिर भी उसको आप लेके आए हो एज योर प्राइम मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमी। इसके अगेंस्ट भी वही अब वो शुरू हो रहा है इनके वेबो और वी चैट में कि यार तुम सबको जो तुम बोलते हो कि ये करप्शन करप्शन करप्शन, उनको मार रहे हो, इसको क्यों नहीं मारा, इसके तो शुरू से चला आ रहा है। इसका तो 2016 में था, इसने कुकअप किया हुआ था जीडीपी अपना और इतने पैसे मारे हुए हैं एंड 2% कितना, हाँ 10% जीडीपी कुकअप अप करके बता रहा था कि जो भी जीडीपी अपने प्रोविंस का बता रहा था गलत बता रहा था। शंघाई में जिस तरह से इसने इम्प्लीमेंट किया था अपना जीरो कोविड लॉकडाउन, उसके अगेंस्ट भी काफी कुछ इसके अगेंस्ट निकले हुए हैं। ये ग्लोबल टाइम्स में निकले हुए हैं, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है, आप उसको फिर भी ले आए हो। और उसको एबीसीडी कुछ आता ही नहीं है इकोनॉमी का। अब आप बता दो, जब आप जिसके ऊपर डिपेंड करते थे, डांटा उन्होंने यही था कि यार आपकी इकोनॉमी पूरी यूएस और वेस्ट के ट्रेड से डिपेंडेंट है, उन्हीं से लड़ाई ले लिया, मतलब जिस थाली में खाते थे उसी में छेद कर दिया, और छेद क्या मैं तो कहता हूँ खड्डा कर दिया, खड्डा बना दिया। जी, सो इट वॉज वेरी नाइस टॉक एंड एक नया पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम अभी तक चाइना को बहुत बाहर से देख रहे थे और हम सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से देख रहे थे बेसिकली, कि एवरग्रांडे फेल हो गया, बट इट इज सो डीप और बहुत सारे और फिशर्स हैं इसके बारे में, आई थिंक लोगों को भी नहीं पता है। इकोनॉमिकली तो बिल्कुल 30% ऑफ चाइनाज जीडीपी इज मेड अप फ्रॉम द रियल्टी सेक्टर एंड द नंबर वन रियल्टी फर्म इज एवरग्रैंड। अगर वो ही कोलैप्स हो गया है यार, हम कहते हैं एक देश 10% लॉस ऑफ जीडीपी झेल नहीं सकता है, यू आर टॉकिंग ऑफ 30% लॉस ऑफ जीडीपी एंड आईएमएफ के ऊपर हंसता हूं मैं, कह रहे हो 5% ग्रोथ होगा, कहां से होगा, पैसे ही नहीं है। कभी उनको बोलो, उनके वेबो में देखे जब ये बोलता है कि बाई चाइनीज बाई चाइनीज, तो बंदे लिखते हैं यार पैसे तो दे तब खरीदो, पैसे नहीं है। बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स लग रहा है इस यस वक्त चाइना में, बहुत ही यस डिप्रेसिंग। यस
quite bad. And that is why I always, in all my talks, I make a differentiation between the people of China and the Communist Party of China. Communist Party of China is not China. It is Communist Party of China. And ये अंतर हमको maintain करना है. अगर हम narrative war शुरू भी करते हैं, तो ये fissure है, which exists between now the people और Communist Party of China, इसको तोड़ना है. वो people से मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है. मैं गया था वहां 2018 में, दो हफ्ते वहां पे रहा था. लोग तो तब भी रो रहे थे, डरे हुए थे, बहुत रो रहे थे. जब निकल के आते थे सर्विलेंस इसके, अपनी गाड़ी में लेके कहीं जा रहे थे, कहीं पार्क में घूमते होते, तब वो उबल उबल के सब कुछ उभार निकल के आता था उनका कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तब भी ये, और अब तो और डबल ट्रिपल, क्या 10 गुना बढ़ गया होगा. मौका अच्छा है, इसको गंवाना नहीं चाहिए. बिल्कुल सही, मौका अच्छा है, गंवाना नहीं चाहिए. ये तो मैंने भी देखा है. अब जैसे मैं अफ्रीका की कई कंट्रीज में रही हूँ, यहाँ पर चाइनीज वापस नहीं जाना चाहते हैं. वो आप माने, मैंने सब्जी मंडी लगाते हुए देखा है उन्हें, सब्जी मंडी, फिश बेचते हुए, बंद गोभी, फूल गोभी बेचते हुए वो ग्रो करके, बट वो वापस नहीं जाना चाहते हैं चाइना में. दैट इज द काइंड ऑफ मेंटल सेट. उसी से पता चलता है. अब जैसे हम इंडियंस हैं, हम तो जैसे टाइम होता है, हमें पता होता है हमें साल में 1 महीने 15-20 दिन की छुट्टियां मिली है, वी आर रेडी एंड हैप्पी. हाँ, एंड वी आर रेडी टू टॉक अबाउट इंडिया. आप उनको अप्रोच करोगे, नो, उनको क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है, दे मेड श्योर की इंग्लिश ना सीखे चाइनीज की, भाई ग्लोबली कनेक्ट ना कर सके, उनको आइसोलेट रखना था. आप उनसे बात करेंगे, वो एक लाइन बोलने को तैयार नहीं होता है, एक लाइन. बट इतना अफ्रीका में भी काफी उनकी चाइना की पुलिसिंग होती है. जहां जहां उनका डायस्पोरा है, उन उन देशों में उन्होंने लाइजन ऑफिस के नाम पे पुलिस स्टेशन खोल रखा है. सर लाइजन, और ये खुद पुलिस में भर्ती हो रहे. मैं जाम्बिया की कहानी बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाम्बिया में बीता है. पुलिस ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं चाइनीज. जैसे जाम्बिया की अपनी पुलिस है, उसके अंदर चाइनीज अब इनरोल हो रहे हैं. हाँ, नहीं, वो अलग है. इन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी में जहां जहां काफी डायस्पोरा इनका है, उन उन देशों में, उन उन देश के शहरों में, इन्होंने लाइजन ऑफिस के नाम पे पुलिस स्टेशन खोल रखा है, उनके ऊपर नजर रखने के लिए कि आप जरा कुछ गलत बोलो, आपके एक्सटेंडेड फैमिली को हम वहां पे दबोच लें. राइट. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, इट वॉज अ फन सेशन. एंड जाने से पहले सर की बुक की मैं दोबारा दिखाना चाहूंगी, द ड्रैगन्स बाइट. इट्स अ फैंटास्टिक रीड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू बाई इट. इट इज आई थिंक सर ये किंडल फॉर्म में भी आ गई है ना, आप मुझे लास्ट टाइम कह रहे थे कि किंडल फॉर्म में भी आने वाली. कोशिश है, मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं, क्योंकि आई गॉट कॉट अप इन माई वर्क. क्योंकि अभी दो बुक के मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, देन आई विल डिसाइड विच बुक टू राइट. It's not dealing with China, because I think China is dead and dusted now. So I am looking for the future. So, एक तो मेरा ही theme है, since I am from the military, how future wars can be fought, what kind of maneuver warfare कैसे होगा, तो उसके ऊपर मैं work कर रहा हूँ. एक SPC yearbook में एक chapter लिखा था मैंने, future warfare unplugged. तो उसी को आगे लेके जाऊंगा कि future warfare कैसे चलेंगे. दूसरा है इट्स ऑन पॉलिटिक्स, एक्चुअली यू कैन से जियोपॉलिटिक्स. इट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशन स्टेट इन 21st century. तो चाहे हम कुछ भी बोल दें, ये जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, जिसको आम इंग्लिश लैंग्वेज में वोकिस्ट लिबरलिस्ट कहते हैं, आई कॉल देम द एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, ये डेमोक्रेसी के ऊपर काफी तोड़ रहे हैं डेमोक्रेसी. सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू यू सेव दिस डेमोक्रेसी, हाउ डू यू गेट द विल ऑफ द पीपल, एंड कैन इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंसी, आर यू सॉवरन, एंड व्हाट वुड बी द शेप एंड साइज ऑफ अ नेशन स्टेट. Would you still stay as a nation state or something else comes? तो ये दो सोच पे अभी चल रहा है. अगले एक दो साल में फिर निकालूंगा किताब.
सॉरी सर, आई मैं म्यूट कर लेती हूँ जी, क्योंकि मैं बीच में बहुत कई बार बोलने लग जाती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को परमानेंटली म्यूट ही रखती हूँ जी. सो डोंट फॉरगेट टू रीड सर्स बुक द ड्रैगन्स बाइट, इट्स अ मार्वलस रीड. आई मीन वेरी स्मॉल, वेरी क्रिस्प, आई थिंक सर 100 and some pages ही है. About 200 पेज ओनली, अबाउट 200. बहुत छोटी सी भी बात किया था, और पहले भी मैं यही कहता हूँ, आजकल के टाइम में पीपल डोंट हैव, हम तो हजार हजार पेज भी पढ़ लेते हैं, आजकल की यूथ का अटेंशन स्पैन कम होता है, तो 200 से ऊपर करना थोड़ा मुश्किल होता है, अटेंशन होल्ड करके रखना मुश्किल. जी जी, थैंक यू सो मच सर. इसी के साथ हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द. सर के सर ने मुझे कमिट किया हुआ टाइम वीकली, सो हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय जय भारत.